बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। जी, तो कल हम कर रहे थे IS 2, आज इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और इसमें छोटे से इश्यूज और हैं, वो हम देख के फिर आगे चलते हैं। जी, कल मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। जी जी सर, कोशिश की है। जी जी कोशिश ही करनी होती है, बाकी तो खैर। जी, तो मुझे बताइएगा क्या आंसर्स आप लोग आए हैं। जी, जो हमारी ओवन की प्रोडक्ट थी, ओवन ओवन की प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आई है टू बी रिपोर्टेड? 10,106,106,500। ठीक है। और फूड फैक्ट्री की? सेवन 2,000,000। सेवन टू डबल जीरो ट्रिपल जीरो, ठीक है। और डीवीडी प्लेयर की? 1,800,000,000। अच्छा जी। और वाटर डिस्पेंसर की? सर, वाटर डिस्पेंसर की 1,200,000,600,000। आपकी दो ठीक है, दो ठीक नहीं है, चले बहरहाल उसको देखते हैं। और इसके अलावा किसी सर ने? जी, बिल्कुल, यस, बी वाला है ना, उसकी मेरी आई है 6,400। यस यस, इट इज करेक्ट, यस और सिक्स, फर्स्ट वाला 1,065,000। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। सर वो बाकी नहीं आ रही थी करें। बाकी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। और इसके अलावा किसी ने किया है? अच्छा ये ओवन की आई है 1,050,000, जी, और वन फूड जीरो की आई है, फाइव हाँ और हाँ फूड की आई है 6,480, हाँ और डीवीडी की 2,220, हाँ और वाटर की है 1,174,500। अच्छा, अलग अलग ही आ रहे हैं सबके, चले बहरहाल। और किसी ने किया है जी? चले बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली लेकिन एक चीज देखिएगा, अब रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग की अवेलेबल होने के थोड़ा सा ये ना कीजिएगा कि आप क्लास को फिर स्किप करना शुरू कर दें। रिकॉर्डिंग कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर आप की जो लर्निंग का प्रोसीजर होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। मे बी मतलब ये बात ठीक है कि फिजिकल क्लास नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक तरह से ऑनलाइन तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं शेयर करता हूँ जी, स्क्रीन को, मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको ज़रा देखते हैं। अगर आप देखें तो आपके जो मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया था उसके नीचे जो है ना, ये कुछ रोज हाइट थी, तो मैंने ये आंसर्स वहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए थे, ठीक है? किसी लोगों ने, कोई लोग ने देख लिए होंगे, मैंने उसको हाइड किया हुआ था आंसर्स को, ठीक है? बहरहाल वो मैंने आंसर्स अनहाइड कर लिए हैं। अब ये वाले आंसर्स आ रहे हैं, मैंने आगे जाके यहाँ वर्किंग भी की हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिसने किया होगा ठीक तो वो तो ठीक है, जिसने नहीं ठीक किया होगा वो इसको ठीक कर ले। ओके, पहले जरा मैं अपनी चीजें ओपन कर लूँ। ओके जी, अच्छा जी, इसमें चार हमें प्रोडक्ट्स दी हुई थी, चार प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई ना कोई इश्यूज यहाँ पे डिस्कस थे, और उन इश्यूज को देखते हैं जी। है धन्ना आसिम प्लीज। अरे ना, प्लीज अपने माइक से म्यूट रखें इफ यू आर इंगेज इन सम पर्सनल डिस्कशन। अब्दुल रहमान साहब, जी, तो आसिम इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग ए फोर और सेवेंटी आइटम एज ऑन December 31, 2017। ओवन्स हैं जी, फूड फैक्ट्री है, डीवीडी प्लेयर्स हैं, वाटर डिस्पेंसर्स हैं, ये तमाम आइटम्स थे।
इनके पास अब हर एक की आपको यूनिट्स ऑन हैंड दिए हुए हैं, कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है और सेलिंग प्राइस प्राइस पर यूनिट दी हुई है। ये सेलिंग प्राइस है, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज होती है तो वो फिर इससे इस पे सेल नहीं होगी, वो इसके अलावा कोई आपको डाटा बताया होगा उस पे सेल होगी। तो हमने करना ये है कि मैंने इसको सॉल्व ऐसे किया है कि मैंने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहले हम आइटम बाई आइटम लेके चलते हैं। नंबर वन आइटम जो है वो ओवन के हवाले से है कि अ सेल्स ऑर्डर ऑफ 3000 ओवन एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट इज इन हैंड, द रिमेनिंग यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस आफ्टर इंकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 150। अच्छा, अब मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया है कि ये जो 10,000 थे इसमें 3,000 तो थे ये ऑर्डर वाले थे और बाकी 7,000 ये रिमेनिंग थे। अच्छा, ये जो 3,000 थे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कि ये 1250 से, और ये 7,000 को भी मैंने 1250 से मल्टीप्लाई किया। भाई देखें, अगर आप फार्मूला देखें तो ये मैंने इधर ही फार्मूला लगाया हुआ है कि ये 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1250 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1250, तो ये कॉस्ट तो वही रहेगी ना जी, कॉस्ट तब्दील नहीं होगी, लेकिन जो एनआरवी तब्दील होगी। ये जो 3,000 है उसकी एनआरवी 1100 के हिसाब से निकलेगी क्योंकि 1100 का उसका ऑर्डर आया हुआ है, जबकि जो बाकी यूनिट्स हैं उसकी एनआरवी 1050 से निकलेगी, यानी 1200 में से 150 हम माइनस कर देंगे तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 से। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों में से जो लोअर होगा, आप देखें बैच टू बैच देखेंगे कि इस बैच में लोअर क्या है, इस बैच में लोअर ये है और इस बैच में लोअर ये है, तो टोटल हमारा लोअर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 1065 टेट्रा जीरो। ठीक है जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कोई ओवन में? जी हाफिज मोहम्मद यासीन साहब। सर नहीं, बस मैंने ये पूछना था कि ये हर ईच बैच की हमने एनआरवी और कॉस्ट कंपेयर करनी है या पूरे एक जो प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, हमने देखे ना, अब वो जब एक प्रोडक्ट की नेचर तब्दील हो गई तो फिर वो प्रोडक्ट का बैच तब्दील हो गया ना, फिर उसको हम आइटम टू आइटम देखेंगे, वो एक सेपरेट आइटम हो गया, वो सेपरेट लॉट हो गई ना। देखे ना, आपके पास अगर एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है और उसमें से कुछ प्रोडक्ट आपकी खराब है तो उसको आप छांटी करके अलग कर लेते हैं, फिर उसको अलग ही आप ट्रीट करते हैं, उसको आप गुड स्टॉक में गुड स्टॉक में आप उसको मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है फिर, हाँ, क्योंकि देखिए ना वो प्रोडक्ट ही तब्दील हो गई ना, वो तो नॉर्मल प्रोडक्ट ही नहीं रही ना, वो तो अब एक्सेप्शनल प्रोडक्ट हो गई। ये 3000 की जो है इसकी हम एनआरवी निकालेंगे 1100 माइनस 150। नहीं, 1100 के ऊपर, सिंपल 1100 के ऊपर, जो 7000 की एनआरवी आएगी वो के ऊपर जो इन नहीं, रिमेनिंग की बात हो रही है ना भाई। ओके सर, ठीक हो गया सर। सेंटेंस पढ़े, आईसी में आ गए हैं, सेंटेंसेस कॉम्प्रिहेंशन, यहीं पे एग्जामिनर फंसाएगा आपको, प्लीज ये चीज जल्दी नहीं करनी। एग्जाम में बहुत बहुत सिंपल सवाल होगा लेकिन उसको एक लफ्ज आपने अगर गलत इंटरप्रेट कर लिया तो सारा सॉल्यूशन ही आउट हो जाता है। ठीक है, और यही यहाँ पे अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट कहते हैं सर सवाल सही करके आए हैं लेकिन हमें वो नंबर नहीं मिले, तो वो मे बी पॉसिबल कि वो इस तरह के पॉइंट स्किप कर जाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा हमने, अभी तो अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। ओके जी, इसके बाद फूड फैक्ट्री है। फूड फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे मसला ये है कि जो टोटल 5,000 यूनिट थे उसमें से 1,000 तो बेचारे डिफेक्टिव हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो तो देखिए मैंने अलग ही कर लिया। 1,000 की कॉस्ट थी 1800 एक कॉस्ट है ना, तो 1.8 मिलियन की कॉस्ट है, उसकी एनआरवी जीरो है, तो लोअर तो ये जीरो है, तो इसकी तो कोई, ये तो सारा लॉस रिकॉर्ड करेंगे आप, ये ऑल लॉस्ट है। ठीक है, दिस विल बी ऑल लॉस्ट। ठीक है, मतलब सर जब एनआरवी जीरो होगी तो हम वो जीरो ही तो लोअर लेंगे ना सर, लोअर लेंगे ना, तो लोअर क्या है, लोअर तो जीरो है। देखें कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर को लेंगे ना। ठीक है जी सर, ठीक है जी जी, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, ये तो उठा के आपने बाहर फेंक दिया, बस कचरा फेंक दिया, कचरे वैसे इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी पीछे प्रोडक्ट। जी जी, अकाउंटिंग एंट्री तो करेंगे लेकिन आप उसको लॉस इन्वेंटरी में नहीं आएगा वैसे अभी फिलहाल। सर एक आइटम जल के तबाह हो गया, स्वाह हो गया, उसको क्या इन्वेंटरी में रखेंगे? राख 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 ठीक है जी,
ऐसा होता है बाज़ोकात, एक चीज़ सड़के सुबह हो जाती है, उसको क्या करेंगे आप, वो तो उठा के आप बाहर ही फेंकेंगे, उसको सफाई करवाएंगे। खुदा ना खासा देखे ना, अभी हफीज सेंटर में आग लगी थी, कितने सारे चीज़ें आपकी जल के राख हो गई थी, वो सारी की सारी लॉस थी, वो इन्वेंट्री का पार्ट तो नहीं बन सकती। आप एक कस्टमर जाएगा, अगर वो जला हुआ तो नहीं चीज़ें खरीदेगा, वो तो स्क्रैप है। ओके जी, उसके बाद जो रिमेनिंग है 4000, उस 4000 का रिमेनिंग का 20%, यानी वो 800, 4000 का 20%, 800 जो है वो डैमेज है, लेकिन वो 50% ऑफ कॉस्ट पे सेल होंगी। यानी इसकी जो एनआरवी है वो 1800 का 50% पे निकालेंगे, तो वो आ जाएगी 7.72 मिलियन, यानी 7,20,000। तो 14,40,000 की प्रोडक्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट पे बिक रही है, तो उसकी जो एनआरवी होगी वो हाफ ऑफ द कॉस्ट होगी, और रिमेनिंग प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल होगी, यानी 2700 पे सेल होगी, उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी तो कॉस्ट ही लोअर है, तो वो लोअर आ गई, तो ये 648 टेट्रा जीरो आ जाएगा। सर बस यही कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। हमने मैंने जो वर्किंग की थी वो एज ए टोटल एक ही यूनिट को कंप्लीट कंसीडर किया था, उसे बैचेस नहीं बनाए थे। सर देखिए ना, बैच बनाएंगे इसलिए जरूरी है कि प्रोडक्ट अब जरा सी भी डैमेज होगी तो उसको आप अलग कैटेगरी कर लें। आप जाके देखें ना, अगर आप सब्जी की दुकान पर भी जाए ना, या आप अगर फ्रूट की दुकान पे जाएं, तो उसने क्या कहता, सर एक केले 60 रुपए दर्जन ने, एक केले 80 ने, तो एक केले 150 ने, ठीक है, वो सारे केले अगर एक जैसे होते तो वो इकट्ठे पड़े होते ना, ठीक है। ये तो जनरल एक, जब एक प्रोडक्ट की नेचर तब्दील हो गई, उसकी सेलिंग प्राइस तब्दील हो गई, उसकी सारी फंक्शनैलिटी तब्दील हो गई, तो उसको उठा के सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो जनरली सब्जी वाला भी कर रहा होता है कि देखें जी, ये वाले अंगूर जो है ये 200 रुपए किलो है, ये 180 रुपए किलो है, ये 100 रुपए किलो है, जो सिंपल दाना दाना पड़ा होता है ना, वो 100 रुपए किलो दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जब एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तब्दील हो जाती है ना, तो उसकी वो उठा के उसको सेपरेट ही कर लेते हैं, इसीलिए इसको बैच बनाया गया है, वरना और कोई मकसद नहीं है इसको बैच बनाने का, सिर्फ हैंडलिंग पर्पस के लिए। सर यहाँ पे आपने 800 की एनआरवी जो निकाली है, जी जी सर, ये आपने इसके अंदर इसको 2700 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, इसको नहीं, कॉस्ट का 50% है ना, ये कॉस्ट के 50% पे सेल होगी, 50% ऑफ कॉस्ट, तो 1800 का जो 50 होगा 900। सर नहीं, ये कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट की 800 की, जो हमने 14 लाख कॉस्ट तो पूरी पूरी 1800 की लेंगे ना, वो तो 1800 की कॉस्ट है ना, लेकिन जो एनआरवी है वो 900 का 900 पे आएगी। ठीक हो गया, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे, कोई मसला नहीं है, ये शुरू में जितनी कंफ्यूजन दूर करेगा। अगर ये अपन यहां पे यूज करता, कैन बी सोल्ड एट 50% बस साइलेंट हो जाता, तो इसका मतलब फिर हमें यहां पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस, इतना साइलेंट ना कराया करें, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना वो, ठीक है। जैसे यहां पे इतना ना उसको साइलेंट करवाएं, इतना नहीं साइलेंट होगा, वो बताएगा ना कि किस पे सेल होनी है, 50% ऑफ व्हाट, वो तो बताएगा ना, ठीक है, इतना जालिम नहीं है एग्जामिनर। सर ये जो ऐसा लगे बहुत ज्यादा, नहीं जालिम नहीं है। जी जी सर, ये जो ओवन में जो क्वांटिटी है 7000, उसकी कॉस्ट 8750, उसकी एनआरवी कैसे सर निकली? उसकी एनआरवी ऐसे आई है कि जो 1200 रुपए था ना, ठीक है, इसमें से 150 रुपए माइनस करेंगे तो 1050 आएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग है ना वो उसको आपको थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा, तो 1200 में से 150 माइनस करें तो 1050 आएगा, 1050 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7000 से। ठीक ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक है जी सर, ठीक जी, आगे चलें, चलें जी आगे ड्यूटी प्ले पे। सर ये पॉइंट नंबर है जो है ना, काइंडली दोबारा कर ले, मेरा नेट खराब हो गया। पॉइंट नंबर है दोबारा, पॉइंट नंबर ए पे, ठीक है जी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ए में सर ये बता रहे हैं कि दो बैचेस बना लिए गए हैं, 3000 जो थे ना उसका ऑर्डर आपको आया हुआ है वो 1100 में बिक जाएगा, तो 3000 की जो एनआरवी है वो 1100 पे निकालेंगे, लेकिन लोअर फिर भी एनआरवी ही है, ठीक है, कॉस्ट आपकी तो 1250 है ना, लेकिन आपकी एनआरवी 1100 है, तो वो लोअर तो आपकी एनआरवी आएगी, ठीक है। जो बाकी रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग जो है वो 7000 बच गए हैं, वो आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल नहीं होंगे, आपको उसमें से 150 पे खर्च करने पड़ेंगे, तो 1200 में से 150 माइनस करेंगे 1050, 1050 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7000 से, तो उसकी एनआरवी आएगी, उसको आप कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो लोअर फिर भी एनआरवी आएगी, तो टोटल ये
106500 आए। ठीक है, आपके पास अच्छा एक जो बातें मैं जिम्मेदार वैसे करता रहता हूँ, कुछ लोग नए ज्वाइन करते हैं, आपके पास क्लास अटेंड करते हुए आईसीएमए का जो रिकमेंडेड कोर्स पैक होना चाहिए, क्वेश्चन जो एमसीक्यू बैंक और कैलकुलेटर और पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, और प्लीज़ इस पर कोई स्टूडेंट क्लास अटेंड इस सेंस में ना करे कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी इमरजेंसी की वजह से वो क्लास अटेंड ना कर पाए। तो रिकॉर्डिंग को क्लास लेने के बाद रिकॉर्डिंग सुनना जो है वो टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, आप उस टाइम में किसी और प्रैक्टिस करें, उस टाइम को प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करें। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका रह गया, जैसे भी भाई ने सवाल किया कि सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बताएं, बिल्कुल आप सवाल पूछें। क्लास का मकसद ही यही है कि वी आर एज अ पार्ट ऑफ टीम। ठीक है, क्लास का मकसद ही होता है कि हम चीज़ों को इस तरह लेके चलें, लेकिन इस चीज़ पर आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे इस चीज़ को ना, क्योंकि इस जगह हर चीज़ एक बिल्ड हो रही है, आज बिल्ड हो रही है। और अभी तो खैर स्टैंडर्ड था, अब जो मैं नॉन करंट का स्टैंडर्ड शुरू करूंगा वो तो हर स्टैंडर्ड दूसरे से लिंक्ड है। जहां भी आपका एक भी क्वेश्चन पीछे मिस हुआ, आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट में गैप आ जाएगा। फिर वो जब तक आप रिकॉर्डिंग सुन के पहुंचेंगे, हम कहीं और पहुंच चुके होंगे, तो वो फिर बात ना, फिर मजा नहीं आता पढ़ने का। ठीक है, तो ये कुछ बातें चीजें हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, लेके चलेंगे। जी, डीवीडी प्लेयर शुरू करें जी। ओके जी, डीवीडी प्लेयर के अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो 4,20,000 की कॉस्टिंग के डीवीडी प्लेयर थे, जो कि क्वांटिटी में 350 बनते हैं, वो कहते हैं जी कि ये बियॉन्ड रिपेयर है। मतलब ये 4,20,000 रुपए की जो कॉस्ट थी, उसको आप डिवाइड करें ना, 4,20,000 को अगर आप डिवाइड करें 1200 पे, ठीक है, यानी 4,20,000 डिवाइड करें 1200 पे, तो 350 क्वांटिटी आती है। तो 350 जो डीवीडी प्लेयर हैं, ये अब बियॉन्ड रिपेयर हैं, लेकिन इसको कोई ना कोई स्क्रैप किया जाएगा। और स्क्रैप भी कैसे होगा कि 1,75,000 रुपया की स्क्रैप है और 6,300 रुपये उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो एनआरवी जो है वो 175,000 माइनस 6,300 आएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देखें, अगर आप फार्मूला बार में देखें तो 175 में से मैंने 63 माइनस किया हुआ है, तो ये आ जाएगी 168,700, तो इसमें से लोअर जो आएगी वो 168,700 आ जाएगी। अच्छा, अब टोटल 1,850 थे। ठीक है, अब 1,850 के अंदर के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। ठीक है, रिमेनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिमेनिंग जो है वो एक नॉर्मल वे में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई उसके बारे में कोई इशू होता तो वो आपको बता दिया जाता। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो 1500 यूनिट है वो बिल्कुल ठीक है, उसको हम नॉर्मल इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, उसकी कॉस्ट 1200 होगी, उसकी एनआरवी 1900 होगी। तो आप उस तरीके से इसे कंप्यूट करेंगे तो ये लोअर आएगा 1.8 मिलियन, उसका टोटल हो जाएगा 196,870। जी 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 सर, इसको हमने ये जो हमने प्रोसेस जो स्क्रैप डी सी पार्ट में एस्टिमेटेड भी 175,000 आई है, तो सर उसको सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो किया वो 6,300, सर ये तो माइनस क्यों किए सर, ऐड क्यों नहीं किए? यार मेरी बात सुनना, आप एक चीज़ आपको 175 में आप सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सेल करने के लिए कॉस्ट भी तो इंकर करनी पड़ेगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब एक बंदे ने कहा यार, इस एग्जांपल समझ लें, आपके पास ये स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो आपने कबाड़िए से फोन किया, कबाड़ी कहता है जी मैं आपको 1.5 लाख दे दूंगा, 175 दे दूंगा इसके, लेकिन आप ना मेरे गोदाम पे पहुंचा दें इसको, समार स्टॉक को, तो वो गोदाम पे पहुंचाने के लिए आपको 6,300 रुपए खर्च करने पड़ गए। ठीक है, तो आपको नेट जो बेनिफिट 1.5 लाख हो सकती है जी। हाँ जी, वो 1.5 लाख में से हम इसको माइनस कर लेंगे, 175 में से माइनस करेंगे। जी जी हाँ, वो ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, वाटर डिस्पेंसर के बारे में बता रहे हैं कि जी वाटर डिस्पेंसर हैव मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स एंड कैन बी सोल्ड इन प्रेजेंट कंडीशन एट 1,350 पर यूनिट। ठीक है, यानी अगर तमाम को मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, लेकिन वो बेचारे 1,350 पे सेल होंगे, यानी कॉस्ट से भी कम सेल होंगे। लेकिन अगर हम ये करें
कि अगर हम एक यूनिट के ऊपर 200 रुपए खर्च करें 60% यूनिट्स के ऊपर, तो फिर वो 1600 में बिक जाएगा, यानी फिर वो नेट 1400 में बिक जाएगा। भाई देखिए ना, 1600 रुपए तो उसकी सेलिंग प्राइस है, लेकिन 200 रुपए खर्च करके 1600 में बिकेगा ना, तो नेट तो ये 1400 आया ना, नेट इज दी 1400, ठीक है। तो जो 60% है, जो 60% यूनिट्स हैं उनकी जो एनआरवी है वो 1400 रुपीज होगी, और जो 40% यूनिट्स हैं उनकी जो एनआरवी है वो कितनी होगी, वो 1350 पे होगी, ठीक है। तो यही हमने किया है कि पहले हमने 60% निकाला है, उसको 1400 पे एनआरवी निकाली है। अगर आप मल्टीप्लाई करें ना इसको 1400 पे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, देखें 1400 से कैसे किया, 1600 माइनस 200, ठीक है। और 1600 आप कैलकुलेटर पे ऐसे कैसे करें, 1600 माइनस 200 1400, 1400 इंटू 522। अब ये ना पूछना कि 522 कैसे आया, पूछेंगे इसलिए कि 870 का 60% है। हाँ जी, वेरी गुड, ये तो इजीली निकाल लेंगे। चलें मैं इसको रख भी देता हूँ यार, कुछ लोग हमारे ले जी 60% जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वाले जी। सर ये लिखा हुआ है ना कि 60% ऑफ द यूनिट्स कैन बी रेक्टिफाइड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीस 200 पर यूनिट आफ्टर विच दे कैन बी सोल्ड, यानी कि ये मरम्मत होने के बाद नहीं 1600 के बिक रहे। हाँ जी, मरम्मत होने के बाद तो मरम्मत करके 200 मरम्मत करेंगे ना, तो नेट आपको कितनी बचत है, ठीक है ठीक है, नेट 1400 बचेंगे ना आपको, जी जी, और तो ठीक हो गया, ठीक है जी, राइट सर। जी इस पूरे सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें, फिर हम एक छोटा सा एरिया और है आई एस टू का, वो करके फिर हम आई एस 16 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये सवाल कराने का जी जी सर, ये 4698 हाँ, ये बेटा ऐसे आया ना कि 1350 को मल्टीप्लाई करें 348 से। अच्छा अच्छा अच्छा, 1350 है ना, जो देखिए ना ये जो 60% की जो ऑफर है ना, ये सब यूनिट पे नहीं है, ये सिर्फ 60% पे है, जो रिमेनिंग 40 है वो तो आपको किसी ना किसी हाल में 1350 भी बेचने पड़ेंगे ना। बात होता है ना कि कुछ कुछ यूनिट्स अच्छी कंडीशन में होते हैं तो आप उनको मजीद रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको फिर आप थोड़े से पैसे लगा के प्राइस बढ़ जाती है। सर ये कॉस्ट में से ये जो 200 माइनस हो रहा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम सर कॉस्ट में से नहीं कर रहे, हम एनआरबी में से कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, यहाँ पे ना समझने के लिए मेरे ख्याल से बेहतर होगा यहाँ पे आप ऊपर ना एनआरवी का फॉर्मूला लिख देंगे ना सर, फिर समझ उनको आसानी से ले सर, ये एनआरवी का फॉर्मूला लिखें जी, क्योंकि सर एनआरवी जी जी एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू सेल। सर अगर दोनों दी होंगी, दोनों माइनस करेंगे, एक दिए तो एक माइनस करेंगे। अब सर ये पार्ट सी में ऐसे ही है ना, जैसे रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट टू सेल में आ जाएगी। जी 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 जी, तो सर वो 200 रुपए कॉस्ट टू कंप्लीट है। जी सर, इस टाइम पे आसानी से मिला। बास क्वेश्चन में दोनों दिए होंगे, बास क्वेश्चन में दोनों होंगे। बेसिकली ये फार्मूला तो यूनिवर्सल है ना, फार्मूले तो हर चीज कवर करनी होती है ना, अब सिनेरियो के अंदर जो चीज दी होगी वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन?
ओके जी जी हबीब साहब। सर ये जो ए पार्ट है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है द रिमेनिंग यूनिट कैन सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस आफ्टर इंक्रीइंग सेलिंग कॉस्ट 150। तो सर ये जो इसकी कॉस्ट है इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में ऐड होके फिर नहीं आएगी? नहीं 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 1200 में से माइनस, अभी तो फॉर्मूला देखा था हमने, 1200 में से हमने 150 माइनस करना है तो 1050 आ गया ना, तो 1050 इसकी एनआरवी हो जाएगी, 1050 को मल्टीप्लाई करेंगे 7000 से। नहीं नहीं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल जो कॉस्ट होगी वो तो ज्यादा बनेगी ना। कॉस्ट तो छोड़ देना, कॉस्ट तो अब नहीं छेड़नी हमने, वो तो वही है, हमने एनआरवी को देखना, हमने एनआरवी को देखना। ओके ठीक है, ये जो सेलिंग कॉस्ट है ना ये एनआरवी के अंदर हम यूज करते हैं, कॉस्ट तो जो होनी थी वो हो चुकी है। ओके ठीक हो गया, थैंक यू जी। और कोई सवाल? ओके जी, अब हम इसके बाद दूसरा कोई एरिया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, लेट मी सी कि अब इसके में क्या है। जी ओके जी जी हाफिज यासीन साहब ये सॉल्यूशन ड्रॉप कर दीजिएगा वहां ड्राइव पर। जी जी ये सॉल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा जी। ये मैंने असल में किया ये है कि कल एक बेटी ने सवाल किया था कि सर आपके नोट्स भी मेरे पास हैं, तो मैंने अब ये किया है कि ये जो मेरा वर्कबुक है ना इसमें जो जो भी सवाल मैं कराता रहूंगा ना वो इसी वर्कबुक के अंदर ऐड होते रहेंगे, और ये वर्कबुक का जो लेटेस्ट वर्जन हुआ करेगा वो मैं आपको उधर अपलोड कर दिया करूंगा, उसके अंदर पिछले सवाल भी होंगे और अपडेटेड वो हो जाया करेगी। मैं पुरानी वर्कबुक वहां से रिमूव कर दूंगा, नई वर्कबुक वहां पे डाल दिया करूंगा, या उसको एज अ न्यू क्वेश्चन वहां पे डाल दिया करूंगा, ताकि जो जो सवाल मेरे नोट्स में भी हैं वो सारे सवाल कवर हो जाएंगे। असल में जो मेरे नोट्स के क्वेश्चन थे ना वो काफी ज्यादा क्वेश्चन अभी इस बुक के अंदर भी आ गए हैं, तो जो क्वेश्चन मेरे नोट्स में होंगे वो मैं फिर एक्स्ट्रा करवा दूंगा। अब ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में था तो वो मैंने यहाँ पे करवाया ताकि ये चीजें कवर हो जाएंगी, तो ये एक्सेल फाइल भी मैं इंशाल्लाह वहां पे रख दिया करूंगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन तो हमारे बुक के अंदर हैं वो तो हम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे ना, उसमें तो कोई वजह तो वहीं पे सॉल्व भी हुए हुए हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट अटेम्प्ट तक ना या उससे पहले हमारी किट भी आ जाएगी, रिवीजन किट, लेकिन अब तक तो हमने जो रिवीजन किट बनाई है वो सर हमारा पर्पस कर लेगी, जो हमारा एमसीक्यू बैंक है वो हमारा पर्पस अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रही है। ठीक है, और कुछ मेरे नोट्स भी हैं तो इंशाल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके जी, तो अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा एरिया है दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, और यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूँ तो वाइट बोर्ड मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि बुक रीडिंग तो ठीक है अब कर लेंगे। इन्वेंट्री जो वैल्यूएशन मेथड है उसमें बेसिकली दो केसेस हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। अच्छा, अगर देखा जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल हैं आपकी प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है या आपकी प्रोडक्ट नॉन इंटरचेंजेबल है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है या आपकी प्रोडक्ट नॉन इंटरचेंजेबल है। अच्छा, ये आईएएस के वर्ड्स हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, इंटरचेंजेबल से मुराद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, होमोजीनियस। और नॉन इंटरचेंजेबल से मुराद हेट्रोजीनियस है, ठीक है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आपकी प्रोडक्ट होमोजीनियस है यानी इंटरचेंजेबल है तो यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू विल यूज फाइफो मेथड और यू विल यूज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्ट नॉन इंटरचेंजेबल है तो फिर आप जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड,
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अच्छा अब ये क्या है जरा समझिएगा, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, मैं उसको भी बुक से करवाता हूं, लेकिन जरा कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि नॉन इंटरचेंजेबल है, यानी आपकी प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है, तो फिर जो कॉस्टिंग होगी वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होगी। जो प्रोडक्ट ऑन हैंड है उसकी सेपरेट प्रोडक्ट कॉस्ट आइडेंटिफाइड होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल लूं कि आपके पास पांच प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी और ई, ये पांच प्रोडक्ट आपकी, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ए की जो कॉस्ट थी वो 800 रुपए थी, बी की जो कॉस्ट थी वो 700 थी, सी की जो कॉस्ट थी वो 650 थी, डी की जो कॉस्ट थी वो 400 थी, और ई की जो कॉस्ट थी वो लेट्स सपोज 1000 थी। ठीक है, और आपको अगर ये कहा जाए कि ड्यूरिंग द पीरियड ए ई ए सी एन ई वर सोल्ड, ठीक है जी, ए सी एन ई वर सोल्ड, तो आपको कहा जाए रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, अगर आपको ये कहा तो क्या करेंगे आप, आपने कुछ भी नहीं करना जी, आप देखेंगे जी ए सेल हो गया तो ए को काट देंगे, सी सेल हो गया तो सी को काट देंगे, और ई सेल हो गया तो ई को कट कर देंगे। तो बच क्या गया जी, बच क्या गया, बी एंड डी से, बी एंड डी, तो बी एंड डी को सम कर लेंगे, कितना है जी बी एंड डी, 1100। तो ये बी और ये डी इसको ऐड कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर इंटरचेंजेबल, तो कॉस्ट, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा बी 700 प्लस डी 400 इज इक्वल टू 1100। बड़ा सिंपल है। अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है, यानी आपकी प्रोडक्ट होमोजीनियस है, जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो उसकी कॉस्ट भी एक जैसी होगी ना भाई। ये तो नहीं हो सकता कि आपके पास, अगर हम बात करें 1.5 लीटर की बोतल की पेप्सी की, तो 1.5 लीटर की बोतल जो ये वाली पेप्सी है ये 100 रुपए की है, और ये जो इसके बराबर वाली पड़ी हुई है ये 105 रुपए की है। तो आप देखेंगे यार उसका साइज भी सही है, सेम है, उसके क्वांटिटी भी सेम है, लेबलिंग भी सेम है, इवन के डेट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है, तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं ना बनती उनकी कॉस्ट डिफरेंट होने की। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो होमोजीनियस है तो उसकी कॉस्ट भी होमोजीनियस होगी। तो इन दैट केस यू हैव टू टेक ए फ्लो अजम्पशन कि फाइफो यूज किया जाए या एवरेज यूज किया जाए। लाइफो जो मेथड है वो अब जो है वो इज नॉट, लाइफो मेथड इज नॉट परमिटेड बाय IAS 2। ठीक है, लाइफो अब खत्म कर दिया गया, फाइफो होगा या एवरेज होगा। ठीक है, और ये आप अर्लियर स्टडीज के अंदर फाइफो और एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि फाइफो एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो कोर्स पैक है, आप कोर्स पैक में जाएं, ये नोट कर लिया आपने जो yes, मैं इस तरह के बहुत सारे चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, ये चार्ट जो मैं बनाऊंगा ये अपने पास जरूर नोट डाउन करें, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड। अभी हम IAS 16 शुरू करेंगे, मैं इसी फ्लो चार्ट के अंदर पूरा स्टैंडर्ड आपको खत्म करवा दूंगा, मैं बुक में जाए बगैर ही। तो ये जो फ्लो चार्ट्स होंगे ये आपको बड़ी हद तक क्लियर होने चाहिए, इनको आप नोट करें। स्क्रीनशॉट आपके पास ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है, लेकिन प्लीज इफ यू हैव पेन पेंसिल यू नोट डाउन दीज थिंग्स, और एक दफा आप नोट डाउन कर लेंगे ये दोबारा आप कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट डिलीट हो सकता है लेकिन नोट की भी चीज अल्लाह के मुंह से कभी भी डिलीट नहीं हो सकती। सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दे, हेटरोजेनस वाला वो बेटा, हेटरोजेनस में, हाँ हेटरोजेनस में ये होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना, और हर प्रोडक्ट चूंकि हेटरोजेनस है उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। जैसे ए की कॉस्ट 800 थी, बी की 700 थी, ये फर्नीचर, ये फर्नीचर पड़े हैं आपके पास, ये पांच किस्म के फर्नीचर पड़े हुए थे। ठीक है,
तो आपने पूरे महीने में ये 5 फर्नीचर बनाए, ठीक है, और उसमें से 3 फर्नीचर सेल आउट हो गए, तो आपने अब बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट करना है। अब चूंकि हर फर्नीचर दूसरे से डिफरेंट था, इसीलिए स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड आपने यूज किया, क्योंकि हर एक के ऊपर आपने टैग लगाया हुआ था कि ये इतने में बना, ये इतने में बना, ये इतने में बना, ठीक है। अब चूंकि 3 सेल हो गए, जो बच गए उनके ऊपर टैग लगा हुआ था, वो आपने काउंट कर लिया और दोनों की कॉस्ट को ऐड कर लिया, तो वो इन्वेंटरी की कॉस्ट हो जाएगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। थैंक यू सर। जी जी जी, और कोई सवाल बेटा? सर ये इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है? बेटा इंपेयरमेंट टेस्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स में जाके, ठीक है। वो अभी उसका मकसद फिलहाल अभी यहाँ पे डिस्कस, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सर वो ना नोट्स में लिखा हुआ था एक जगह। किसके नोट्स में? किसके आपके में? वाले नोट्स में लिखा हुआ था। चलें वो गलती से लिख दिया होगा बेटा मैंने, ठीक है, मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल से, ये सब चीजें पढ़नी है बेटा हमने। और कोई चीज? ओके जी। अच्छा अब आपने बेटा करना ये है कि जो आपकी ये जो बुक है इसमें मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व करनी है, इसके सोल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, चूंकि क्लास के अंदर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने फंडामेंटल पे किए होंगे, लेकिन ये करने जरूर है जी आपने। ये एग्जाम्पल नंबर 5 ये नोट करें बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेवन एग्जाम्पल नंबर 8, बस ठीक है बेटा, ये 4 एग्जाम्पल आपने करनी है। ये बेसिकली ये वही 5-4 एवरेज के वही एक्सप्लेन कर रही है जो ऑलरेडी आप फंडामेंटल लेवल पे पढ़ के आ चुके हैं। अगर किसी को ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि 5-4 एवरेज में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अव्वल तो वो ये सवाल अटैम्प्ट करेगा उसे समझ में आ जाएंगे, फिर भी ना समझ में आए तो कल शुरू के जो 5-10 मिनट होते हैं उसमें ज़रूर मुझसे पूछे, ठीक है। ओके, इसके बाद बेटा स्टैंडर्ड के अंदर अब फर्दर कोई चीज़ नहीं रह गई, एनआरवी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब उसकी प्रैक्टिस फर्दर इन्होंने दी भी है। जैसे अब इन्होंने कहा हुआ है कि ये एग्जांपल नंबर 9 अगर हम देखें तो ये डिफरेंट आइटम है, पता नहीं जे जे ई एम ये आइटम है, इनकी यूनिट्स सबको दिए हुए हैं, कॉस्ट यूनिट दी हुई है, एनआरवी दी हुई है, और कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय आइटम बेसिस, तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं जी। तो ये देखें, सॉरी ये किधर चला गया, कौन सी एग्जाम्पल थी बेटा? 9 थी ना? हाँ जी 9 थी। तो ये बेटा जैसे मैंने आपको भी सवाल करवाया ना जो एक्सेल पे करवाया है, ये देखें सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, आपको कॉस भी दी हुई है, एनआर भी दी हुई है, उसमें से लोअर से आपने मल्टीप्लाई करके कॉस कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा, इस वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 भी तकरीबन ऐसी ही है, सेम प्रैक्टिस के लिए काफी मटेरियल आपको बुक में दिया हुआ है जी इन्होंने। एग्जाम्पल नंबर 11 भी तकरीबन वैसी ही है, हाँ जी वही है सेम। और हाँ जी, अब कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो अब रह गई है, उसके बाद ही चैप्टर क्लोज है जी, ठीक है जी। ओके रिकग्निशन एज एन एक्सपेंस, ये वही बात है जिसको एक तरह से थोड़ा सा ये सोफिस्टिकेट अंदाज से डील कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। हमने सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी होती है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन है ये एक हमारा एक्सपेंस है। तो यही बात लिखी हुई है कि व्हेन इन्वेंटरीज आर सोल्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंटरी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, इसको हम CGS भी नॉर्मली रेफर्ड एज CGS, ठीक है, नॉर्मली रेफर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
या अब न्यू अगर आप देखें तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, इन द पीरियड इन विच रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, द अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी एंड ऑल लॉसेज ऑफ इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड द राइट डाउन लॉस अकर्स। ये वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने इन्वेंट्री का राइट डाउन रिकॉर्ड किया है, जैसे हमने कल एक राइट डाउन रिकॉर्ड किया था 200 रुपए का या 300 रुपए का, वो भी आपने उसी पीरियड में एज एन एक्सपेंस शो करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनी रिवर्सल ऑफ एनी राउट डाउन ऑफ इन्वेंट्री अराइजिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन एनआरवी शैल बी रिकॉग्नाइज एज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच रिवर्सल अकर्स। ये बात जो कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि अगर आपने एक पीरियड में राइट डाउन किया था, उसको लोअर पे रिकॉर्ड कर लिया और एनआरवी लोअर थी तो आपने इसको लिया, हो सकता है कि अगले पीरियड में हालात तब्दील हो जाए और वही इन्वेंट्री आपके पास अनसोल्ड पड़ी हुई हो, और अब आपने जब उसको कैलकुलेट किया तो आपके पास जो कॉस्ट थी वो हायर, वो सॉरी एनआरवी हायर आ गई, ठीक है। जो एनआरवी हायर आ गई मीन्स जो आपने पिछले साल में रिवर्सल जो लॉस रिकॉर्ड किया था वो अब आपको इस साल में रिवर्स करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि वो इन्वेंट्री अभी अनसोल्ड पड़ी हुई हो, ठीक है। वो इन्वेंट्री अगर अनसोल्ड होगी तो उसका फिर आपने रिवर्सल रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो रिवर्सल आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि इसको हम अगर रिपोर्ट कर लें कि ये 2019 की बात है कि वी रिकॉर्डेड ए लॉस रुपीस 500, ठीक है, हमने एक लॉस रिकॉर्ड किया 2019 में 500, 2020 आ गया और 2020 में हमने जो हमें पता लगा कि जो 500 था ये रिवर्स हो गया, तो 2020 का जो लॉस था, लॉस ऑफ 2020 वो लेट्स अप रुपीस 1100 था, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देंगे रिवर्सल ऑफ 2019 जो कि कितना है 500, ठीक है। तो जो रिमेनिंग जो लॉस है, जो नेट लॉस है ऑफ 2020 वो आ जाएगा 600 का। तो बेसिकली ये जो 500 का हमने पिछले साल में लॉस रिकॉर्ड किया था वो अगले साल के लॉस के साथ हमने ऑफसेट कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर का लॉस फिर हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। यही बात की जा रही है पॉइंट नंबर सी में, क्योंकि देखें ना ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है। एक पीरियड में 2020 में अगर लॉस ना हो तो फिर इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसा होता नहीं है, लॉस हर पर पीरियड में होते हैं जी, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें लॉस नहीं होता होगा, ये हर कंपनी में होता है, ठीक है। आपकी जो मल्टीनेशनल बेवरेज देख लें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देख लें, हजारों प्रोडक्ट हर पीरियड में लॉस हो रही होती, पिछली प्रोडक्ट्स की एडजस्टमेंट आ रही होती है, अगली प्रोडक्ट लॉस हो रही होती है, बेतहाशा लॉसेस होते हैं। तो ये तो चूंकि बिजनेस होगा तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस होगा तो पहिया चलेगा तो हरकत होगी और बरकत चलेगी, लेकिन वो फिर उससे लॉसेस भी आते हैं, ठीक है। तो लॉसेस हर पीरियड में अराइज होते हैं जी, उसको फिर हम ऑन गोइंग एक्टिविटी कंसिडर करते हैं, पिछले लॉसेस को एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाले लॉस होता है अगले जाके रिवर्स हो जाए, फिर अगले वाले जाए लॉस में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। सर सीजीएस में इसको हम ऐड करेंगे फिर अगर लेट्स नेक्स्ट ईयर में लॉस नहीं होगा तो? नहीं, सीजीएस तो लेस ही होगा ना, ये रिवर्सल है, रिवर्सल है, नहीं मतलब ये है तो हमारा लॉस तो हम हमारा ही मतलब नहीं नहीं 500 की बात 500 की बात कर रहे हैं जी, 500 की बात कर रहा हूं, तो 500 तो रिवर्सल है ना, तो रिवर्सल का मतलब है कि लॉस का रिवर्सल तो गेन होता है, ठीक है, तो सीजीएस से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सर अगर नेक्स्ट ईयर लॉस हो बट पिछले साल की निस्बत कम हो, हाँ तो गेन हो जाएगा ना, वो नेट गेन पे जो बाकी बच जाएगा वो हम सीजीएस में से माइनस कर देंगे। सर ये पॉइंट नंबर बी एक दफा फिर रिपीट करिएगा, ये समझ नहीं आई। पॉइंट नंबर बी में ये है कि जब आपने एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर किया तो आपको पता लगा जी कि हमारी एनआरवी थोड़ी है, छोटी है, ठीक है, तो आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना,
तो उस लॉस को फिर आप राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो जो कम ने कल की क्लास में देखा था ना, जिसमें हमने कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर किया था और लॉसेस को हमने रिकॉर्ड किया था। जी जी एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ओके जी, ओके। इसके इसके बाद अब मेरा नहीं ख्याल कि आईएस 2 के अंदर कोई चीज है, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये समरी की पॉइंट्स हैं, ये कुछ इतने ये रिवाइज समरी पॉइंट्स हैं। तो ठीक है जी, चैप्टर नंबर हमारा जो इन्वेंट्री का है, इट इज नाउ क्लोज्ड। और मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ओके जी, ओके जी, हम नेक्स्ट जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। आईएस जो नॉन करंट के स्टैंडर्ड्स हैं, नॉन करंट के स्टैंडर्ड सजेशन है जी, सजेशन सर, सजेशन ये है कि जो भी हम ये स्टैंडर्ड पढ़ा करें तो एट द एंड अगर हम इसके कंक्लूजन निकाले बुलेटिन्स में इस तरह कोई वो तो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं रहेगा सर। वो आप निकाले ना, वो मैंने बता दिया, ये देखें इसमें दी हुई है, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये देखें सर 169, ये देखें की पॉइंट्स ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये देखें इन्वेंटरी द एसेट्स, ये सारे उसने आपको खुद बना के दे दिए हैं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे ना, कोई चीज ना समझ आएगी तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल स्टेज के अंदर हम लोग वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ेंगे ना तो वो वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ह्यूज सिलेबस, ठीक है। तो इस पे टू वे ट्रैफिक चाहिए होगी जी, आपकी तरफ से भी हमें अब सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। अब चीज़ें जो है ना वो आपकी तरफ ज़्यादा थ्रो बैक होंगी, आपने डेली का काम डेली कम्प्लीट करना, और ज़्यादा नहीं होंगी अगर आप आधे से पौना घंटा भी डेली का लगा लेना, इसको डेडिकेट कर लें तो ये कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे होंगे लेकिन बहरहाल इसको आप आधा से पौना घंटा भी अगर आप कंसंट्रेशन से देंगे ना तो जो काम मैं डेली दे रहा हूँ वो डेली में हो जाया करेगा। इसको आपने की पॉइंट पढ़ना है बस, जैसे अभी शुरू में एक बेटी ने सवाल किया जी पॉइंट नंबर टू ये नहीं समझ आया, ये चीज़ नहीं समझ आया, इस तरह आप नोट डाउन चीज़ें करके लाएंगे तो फिर डिस्कशन में वो चीज़, और नहीं समझ आती है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को दोबारा देखें जो मैंने कराए होते हैं, उसमें से मे बी पॉसिबल चीज़ें क्लियर हो जाती है। नहीं फिर भी आएगा तो फिर मैं अल्टीमेटली तो फिर मैं हूँ, मुझे नहीं समझ आएगा तो मैं अपने सीनियर से रब्ता करूँगा, तो यही तो लर्निंग प्रोसेस है इंशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो हम स्टार्ट करने रहे, आईएस 37 को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये जो बड़ा एरिया है नॉन करंट एसेट्स के स्टैंडर्ड का, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये तकरीबन अगर मैं सिलेबस को देखूँ तो सिलेबस का 30% है ये एरिया, ठीक है। तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम लगेगा और आने वाली कोई 15 से 20 क्लासेज हमारी इस एरिए पर लगेंगी, लेकिन इस एरिया के अंदर कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी एक आइटम दूसरे से बड़ा कनेक्टेड है, ठीक है। तो गुजारिश यही है कि आप इसको ज़रा कंटिन्यूटी के अंदर लें। पहले जो स्टैंडर्ड है वो आईएस 16 है, आईएस 16 हम जब स्टडी करेंगे तो आईएस 16 टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, अभी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आईएस 23 है बोरोइंग कॉस्ट, ये भी बड़ा एक छोटा सा एरिया है, हम देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है और किसी एसेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। फिर हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जो एसेट्स हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते लेकिन बहरहाल वो हमारी कंपनी के अंदर हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हैं, लाइसेंस हैं, ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे कंपनी के बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको भी हम किस तरह वैल्यू करते हैं वो भी हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आईएस 40 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड है इसमें हम जाके देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी हमने एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज करके रखी हुई है उसको हम किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करते हैं और उसकी क्या वैल्यूएशन
चीजें हैं। आई एस 36 अभी बेटी ने सवाल किया कि वो इम्पेयरमेंट क्या होता है, तो ये हमने यहाँ पढ़ना है बेटा इम्पेयरमेंट का, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट भी यहाँ पे करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर ये आई एफ आर एस 16 है लीजिस का, ये एक न्यू डेवलपमेंट है लीजिंग के हवाले से, बड़ा इस वक्त बड़ा फेवरेट एरिया है तकरीबन एग्जामिनर्स का। तो इट डजेंट मीन कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये कि ये चूंकि न्यू है और इसमें चेंजेस काफ़ी आई हैं, तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट एरिया है। तो ये चार पांच स्टैंडर्ड्स हैं, 6-7 स्टैंडर्ड हमने पहले अभी स्टार्ट करने, तो इसी सीक्वेंस से हम इसको लेके चलेंगे। तो आपके कोर्स पैक को तो बाद में देखते हैं, पहले आई एस 16 को ज़रा थोड़ा सा अगर हम अपने हिसाब से देख लें तो एक दो समराइज करते हैं जी इसको। चलिए जी वाइट बोर्ड ओपन कर लें। आई एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप नया पेज खोल लें रजिस्टर में, ऊपर लिख लें आई एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा ये जो नाम है ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसने हर चीज कवर कर दी है इसके अंदर। प्रॉपर्टी मीन्स अब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी होती है जितनी भी यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, और इक्विपमेंट के अंदर, ये इक्विपमेंट भी एक अम्ब्रेला वर्ड है। इक्विपमेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो जितने भी ये आपके लैपटॉप्स हैं, एसी हैं, प्रिंटर्स हैं, ठीक है, सीलिंग फैन हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, ये तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स हैं। ये तमाम के तमाम इक्विपमेंट जो हैं ये इक्विपमेंट के अंदर फॉल करते हैं, ये इज अ अम्ब्रेला कैटेगरी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर दी टेंजिबल एसेट्स हेल्ड इन द यूज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा अब इस चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेल्ड तीन में से कोई एक चीज के लिए हेल्ड होगा, यूज इन प्रोडक्शन, बी में होगा जी रेंटल टू अदर्स, एंड सी में होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। लेकिन इसकी जो लाइफ होगी, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन वन ईयर। ओके जी अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेंजिबल एसेट्स, पहली बात तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं और ये यूज होंगे, इसका जो पर्पस होगा इन तीनों में से कोई एक होगा। नंबर वन ये यूज इन द प्रोडक्शन, नंबर टू ये या तो रेंटल के लिए आपने रखे होंगे या आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा होगा, ठीक है। यानी वो एसेट्स जिनको आपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने स्टैंडर्ड पढ़ा IS-2 जिसमें हमने एसेट्स को बिजनेस में परचेज किया था लेकिन उसका मकसद फरोख करना था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो इन्वेंट्री में फॉल किया था। लेकिन अगर हम एक एसेट परचेज करते हैं और उसका मकसद इन तीनों मकासद में से कोई एक होता है तो वो IS-16 में फॉल करेगा, ठीक है, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो मोर देन वन ईयर होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन पर्पस के लिए मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया। इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं वो इंशाल्लाह ये फ्लो चार्ट में डिस्कस कर लूं तो उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस स्टैंडर्ड के अंदर हमने तीन इश्यूज पे डिस्कस करना है। एक्सक्यूज मी सर, सर स्पीड थोड़ी सी स्लो रखें। अच्छा बट ये अगर 100 तो कितनी कर दूं? अगर मेरी स्पीड 80 तक कर दें, चले ठीक। ये बेटा तीन इश्यूज पे हमने डिस्कस करना है IS-16 में, ठीक है। नंबर वन इनिशियल रिकॉग्निशन, ओके। नंबर टू सबसीक्वेंट
रिकॉग्निशन, और नंबर थ्री डी रिकॉग्निशन। ठीक है जी, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि IS16 में तीन इश्यूज हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन, नंबर टू सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन, और नंबर थ्री डी रिकॉग्निशन। अच्छा, अब इनिशियल रिकॉग्निशन से मुराद क्या है? कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ PP&E, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। नंबर वन परचेज प्राइस, नंबर टू, मैं एक्सप्लेन बेटा करूंगा ये पूरा, मैं आपको एक फ्लो चार्ट से बना रहा हूँ कि मैं हर चीज हमने विद न्यूमेरिकल समझनी है। ये जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये विद न्यूमेरिकल हमने आगे, और इस चैप्टर के सबसे ज्यादा MCQs आपके पास हैं, तकरीबन कोई 50 के करीब MCQs इसके बाद आपके पास होंगे इस चैप्टर के, तो वो हमने सारे सॉल्व करने। कुछ मेरे सवाल वो अलग हैं। परचेज प्राइस, नंबर टू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और नंबर थ्री प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमूवल कॉस्ट। अच्छा जी, जब प्लांट एसेट आप इनिशियली परचेज करते हैं तो IS16 ये कहता है कि पहले आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तीन आइटम आप कॉस्ट के कंसीडर करते हैं। एक तो परचेज प्राइस है जो आपने वेंडर को पे करी है, एक आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा पे किया है, जैसे आपने टेस्ट, जैसे कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर वो हम कहीं देख रहे थे तो उसमें इंस्टॉलेशन भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, वो कॉस्ट भी ऐड करते हैं, तो वो वाली कॉस्ट हम क्या इधर ही पढ़ेंगे या वो कहीं और पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ेंगे IS16 में आके, कि जहाँ पे हमने अगर एक प्लांट ऐसे परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल AC परचेज किया है, तो AC को हमने अपनी बिल्डिंग में लेके आना है, वो फ्रेट आपने पे किया है, AC को आपने इंस्टॉल करवाया है, उसकी आपने इंस्टॉलेशन प्राइस पे की है, उसके बाद अगर वो बड़ा AC था तो आपने किसी प्रोफेशनल बंदे को बुलाया है, वो उसको टेस्ट करेगा कि ये प्रॉपर ठंडक कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये थोड़ी देर बाद ट्रिप तो नहीं हो जाएगा, तो ये टेस्टिंग की भी वो फीस चार्ज करता है, तो ये भी क्या कहलाती है? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहलाती है। इसके अलावा कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वो वापस रिमूव भी करके देने होते हैं, जगह को खाली भी करना होता है, तो इन दैट केस आपको रिमूवल कॉस्ट भी पे करनी होती है, लेकिन वो कॉस्ट चूंकि आपने कुछ अरसे बाद पे करनी है, लिहाजा आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ये तीन कॉस्ट एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इनिशियल रिकॉग्निशन के वाले से। जी बेटा, थर्ड कॉस्ट जो आपने बोली उसकी एग्जांपल बता दें, आईडिया जो, हां जी, उसके एग्जांपल ये है कि आपने एक जनरेटर फिक्स किया है 10 साल के लिए, जनरेटर जब आपने फिक्स किया था उसके लिए आपने एक बेस बनाई थी, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपने एक छोटा सा कमरा बनाया था जिस कमरे में आपने उसको रखा था, एक शेड बनाया था। 10 साल के बाद जब आप उस जनरेटर को रिमूव करेंगे तो आपको कमरा गिराना पड़ेगा, वो बेस खत्म करनी पड़ेगी और वो साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी खर्चा आता है। ठीक है, तो वो जो खर्चा है वो भी आप आज ही उसकी एक एस्टिमेट लगाएंगे और आप उसको आज की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, ओके सर जी। सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम उनको सिलेक्टेड करके देखते हैं। सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन में एक इशू ये है कि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर किए जाते हैं प्लांट की लाइफ में मजीद, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो एडिशनल एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, या तो वो कैपिटल होते हैं या वो रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, यानी वो या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, आपने ये टर्म सुनी होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं।
इनका ट्रीटमेंट हमने देखना है कि इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ये सबसीक्वेंट में पहला इशू है। सबसीक्वेंट में दूसरा इशू मेजरमेंट का है, मेजरमेंट का इशू है। मेजरमेंट में आईएस कहता है कि ये एसेट आपने कॉस्ट पे तो परचेज किया है, क्या आपने आगे इसको कॉस्ट पे ही रखना है या इसको चेंज करना है। तो आईएस आपको दो ऑप्शन देता है। देयर आर टू मॉडल्स विच विल बी स्टडी। वन इज कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, एंड नंबर टू इज रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल ये है बेटा कि जो आपने इनिशियली कॉस्ट कैलकुलेट की थी प्लांट एसेट की यहाँ फर्स्ट फेज में, आप उसी को डेप्रिशिएट करते रहते हैं और उसी पे इसको रिपोर्ट करते रहेंगे, या आपने उसको मार्केट वैल्यू पे रिवैल्यू करना है। तो आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, वो फिर उसका फिर अलग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करना है। सबसीक्वेंट मेजरमेंट में जो तीसरा इशू है वो डेप्रिसिएशन का है, वो डेप्रिसिएशन का है। और डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हमने यहां पे देखने हैं। देर आर डिफरेंट मेथड्स जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा उसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तीसरा हम उसको यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड या एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी कहते हैं। जी बेटा वो स्पीड 80 पे आ गई है, अभी 100 पे ही है सर। ठीक है सर, वो लेक्चर नोट करना होता तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल, और यही फीडबैक मुझे चाहिए होता है आप लोगों से। ये फीडबैक आएगा तो मैं फिर चीजें अपनी चेंज करूंगा। ओके, असल मकसद तो आपको पढ़ाना है ना, मुझे मेरे गोल्ड मेडलिस्ट होने का आपको क्या फायदा है, वो तो मुझे ही फायदा है ना। आप लोगों को तो फायदा तब है जब आपको समझ में आए। ओके जी, थर्ड इशू बल्कि फोर्थ इशू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है रिवीजन, रिवीजन ऑफ एस्टीमेट्स। ये आपको बताने का मकसद, ये हर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस तरीके से ही कि स्टैंडर्ड का एक्चुअली स्कोप क्या, हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और जब हम पढ़ लेंगे तो हम उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ये बाद में जब आप ये सब चीजें पढ़ लेंगे ना, तो ये जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ ये दोबारा के खोल के देखनी है आपने कि भाई ये सब चीजें पढ़ ली है हमने और इसका ओवरऑल पिक्चर ये बनती है। अच्छा, रिविजन ऑफ एस्टिमेट से मुराद तीन चीजें हैं जी। हम चेंज कर सकते हैं यूजफुल लाइफ भी, हम चेंज कर सकते हैं रेसिडुअल वैल्यू भी, अभी आपको ना मैं दो तीन वो ये कहते हैं ना कि सरप्राइज देने वाला हूं कि रेसिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन वो नहीं जो हम पढ़ते हुए आए हैं। रेसिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन चेंज है, कॉन्सेप्ट तब्दील है, वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल, नंबर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन भी हम चेंज कर सकते हैं, ये भी हम रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर हम सबसीक्वेंट पीरियड में कोई रिवाइज चीजों को कर लेते हैं, हम यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं, हम रेजिडुअल वैल्यू चेंज करते हैं, हम मेथड का चेंज, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जी, किसी ने हैंड रेस किया है। जी जी सर, मैं ये कह रहा था ये रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स जो है इसमें एक और हम रिवीजन कर सकते हैं, वो होता है डेप्रिसिएशन रेट्स रिवाइज। वो आ गया ना नीचे, तीसरा आ गया ना, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसके अंदर हर चीज कवर होगी ना, उसमें मेथड के अंदर वो रेट भी आ जाएगा, मेथड भी, हर चीज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, वो अम्ब्रेला चीज आ गई सारी चीजें। अच्छा जी, और इसमें ना जो तीसरा इशू है वो डी रेकग्निशन का है, वो उसमें भी हम तीन चीजें स्टडी करेंगे। बहरहाल, वो अब दो आप तो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, एक को हम कहते हैं डिस्कार्ड, एक को हम कहते हैं डिस्पोजल और एक को हम कहते हैं एक्सचेंज, ठीक है। डिस्कार्ड का तो मतलब सिंपल ये है कि आपने उठाया उसको स्क्रैपर को भेज दिया, उसमें तो कोई सिंपल ट्रीटमेंट है, आपने अगर ना एसेट को कैश को डेबिट करना है जितनी आपको स्क्रैप मिला होगा और आपने एसेट को क्रेडिट कर देना है, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिस्पोजल में भी यही होता है कि आप गेन और लॉस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
और इजीली जो भी आपको, अगर आपने कोई एसेट यूजफुल लाइफ से पहले सेल कर दिया है, मतलब आपने कहा जी ये गाड़ी मैंने खरीदी थी अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, तो फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो डिस्पोजल के अंदर आप फिर उसको गेन और लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एक्सचेंज के अंदर आप एसेट को किसी दूसरे एसेट से एक्सचेंज कर लेते हैं। जी यासीन साहब। सर ये डिस्कार्ड जरा दोबारा बता दें। डिस्कार्ड कहते हैं कि एक एसेट यूज हो गया है, ठीक है। नॉर्मली डिस्कार्ड और डिस्पोजल जो है ना, ये एक ही अल्टरनेटिव में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ये बेसिकली एक ही चीज है कि आप एसेट, आपका एसेट अब फुली यूटिलाइज हो चुका हुआ है और आपने उसको उठा के स्क्रैपर को बेच दिया, उसे डिस्कार्ड कर देना है, मतलब डस्टबिन में फेंक देना किसी एसेट को, डिस्कार्ड। डिस्पोजल ये है कि वो एसेट की कोई ना कोई वर्थ है, आपने उसको कहीं ना कहीं सेल किया है तो उस पर आपको कोई गेन या लॉस हो सकता है। बेसिकली ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होगा, तकरीबन ये सेम ही है एक तरीके से। जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में थोड़ी सी अकाउंटिंग डिफरेंट है, वो अभी इसी चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। जी एनी क्वेश्चन फॉर्म। ये आपका पूरा, ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है जी आपके स्टैंडर्ड का, जो हमने चीजें पढ़नी है। अब हम जो हमारा बुक, जो हमारी बुक है, उसमें से जिस सीक्वेंस में चीजों को दिया हुआ है बुक के अंदर, हम उस चीजों को पढ़ते हैं और ऐसा ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स हम बनाते चले जाएंगे इस पूरे चार्ट का। दिस इज द बिग पिक्चर व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जी सर, ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में कॉस्ट मॉडल और डिप्रिसिएशन, इसमें कोई डिफरेंस है? कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल दो मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल नंबर वन है और ये रिवॉल्यूशन मॉडल है। सर ये कॉस्ट मॉडल और डिप्रिसिएशन, इसमें कोई डिफरेंस है? वो रिवॉल्यूशन डिप्रिसिएशन इधर भी होगा, डिप्रिसिएशन इधर भी होगा, ठीक है। अगर एक एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड है तब भी वो डेप्रिशिएट होगा, अगर वो एसेट रिवॉल्यूशन पे रिकॉर्ड है तब भी वो डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिसिएशन तो होना है ना, वो किसी भी मॉडल में आप रिपोर्ट करो वो तो करना ही करना है। आप फिर सर ये मेजरमेंट में हमने कॉस्ट मॉडल रिवॉल्यूशन मॉडल मतलब दोनों हमने सेग्रीगेट कर लिया, और ये सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमने डिप्रिसिएशन के लिए अलग-अलग एक डेप्रिसिएशन जब चार्ज करने लगेंगे ना आप, तो आपसे पूछेंगे कि आपका कौन सा मॉडल है, कॉस्ट है या रिवॉल्यूशन मॉडल है, ठीक है, और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों मॉडल्स में डेप्रिसिएशन के हवाले से, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो रिवॉल्यूशन मॉडल के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने अलग अलग किया हुआ है। जी और कोई सवाल? अच्छा आज ये चार्ट पढ़ने के बाद एक हम डेफिनेशंस के तक ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अब इसको नोट कर लिया आपने? जी सर। Yes, sir. अब मेरी स्पीड खुद ब खुद 50 पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, देखिएगा। चलें जी, ये अब पेज नंबर बेटा आपके पास होगा, ये कोर्स पैक का 202 सर, 203, जिसके पास बुक है वो पेज नंबर 203 निकाल लें, पेज नंबर 203। और अब हम ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का चैप्टर है, इसमें जितने भी एसेट्स हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड्स हैं, पहला हमारा IS-16 है, ठीक है। अभी देखिए ना, जो चीजें इन्होंने यहाँ पे सेंटेंसेस में लिखी हुई है ना, वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझा दी है, अब ये चीजें सेम यहाँ पे लिखी हैं जो मैंने वहां बताई हैं। अच्छा जी, अब ये डेफिनेशंस हम जरा थोड़ी सी डिस्कस कर लें। बेटा ये विजिबल है? जी सर। जी विजिबल है, ओके। अच्छा बेटा, इसमें पहली डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर द एसेट्स हेल्ड, टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये पहला पॉइंट आ गया। फॉर रेंटल टू अदर्स,
दूसरा पॉइंट, और तीसरा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। ये डेफिनेशन आईएएस ने भी दे दी है और हमने भी वहीं से कॉपी की थी कि टेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए आप परचेज करेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है वो कैरिंग अमाउंट की है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच द एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा बेटा, इंपेयरमेंट लॉस भी इतना से लॉस होता है, इसको भी हम ये समझेंगे लॉस ही है। तो कैरिंग अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो कैरिंग वैल्यू, सो सीवी इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको कॉमनली नोन एज बुक वैल्यू, लेकिन बुक वैल्यू का वर्ड हम कॉमनली यूज नहीं करते। कैरिंग अमाउंट हम तमाम स्टैंडर्ड्स में आगे यूज करेंगे। कैरिंग अमाउंट का मतलब है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। और जनरली अगर हमने सिंपली इसको डिफाइन करना है तो आप कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद रखिए इंपेयरमेंट हर एसेट की नहीं होती है, लेकिन लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो हर एसेट की होती है सिवाय लैंड के, ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू की डेफिनेशन आ गई। सर एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर, ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होती है और इंपेयरमेंट लॉसेस भी होते हैं। जी जी दोनों बिल्कुल होते हैं। कोई एग्जांपल सर बता दे, और सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी सर समझा दे ऊपर जो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यही है ना जी, कि आपने ऑफिस पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज की हुई है, आपने कंप्यूटर यूज किया हुआ है, आपने सफाई के लिए कोई, ओके 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 ठीक है। एग्जांपल इंपेयरमेंट की देंगे, लेकिन अभी ये इंपेयरमेंट का थोड़ा सा लेट है। इंपेयरमेंट हम जब पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक, क्योंकि शुरू में मुझे ना ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है कि स्टैंडर्ड्स जो है ना वो आपस में कनेक्टेड बहुत ज्यादा है, तो लेकिन शुरू में जब हम ऐसा ऐसा चीज़ों को बेसिक रखेंगे ना, तो इंपेयरमेंट का वैसे जनरली मीनिंग ये होता है कि कोई एसेट की फंक्शनैलिटी में कमी आ जाती है और वो एसेट अब उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए था, तो फिर हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो इंपेयरमेंट लॉस क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, दैट विल बी स्टडी इन IS 36 इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल इंपेयरमेंट एक लॉस ही होता है जो कि आपको रिकॉर्ड करना होता है, एसेट की कॉस्ट में से लेस करना होता है। कॉस्ट की डेफिनेशन में बता दी। जी 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 सर, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू को कह सकते हैं। जी वही कहा हुआ है, कॉमनली नोन एज बुक वैल्यू। ओके सर, ये लिखा भी हुआ है आखिर में। ओके सर, मेरा कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ जी जी, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि एक एसेट की एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हो सकती है और इंपेयरमेंट लॉसेस दोनों हो सकती है एक एसेट में एट अ टाइम। जी जी हो सकती है ना, डिप्रिसिएशन यूज की वजह से आती है कि आपने एसेट को यूज किया है, जबकि इंपेयरमेंट लॉस के अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंपेयरमेंट आती है, ठीक है। इंपेयरमेंट के अदर, इंपेयरमेंट के कॉजेज इंपेयरमेंट की वजह से लॉस रिकॉर्ड होगा। सुनिए, इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट के कॉजेस की वजह से होगी, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की कॉजेस की वजह से होगी, हर एक का अपना कॉज है ना। ठीक है, फाइन सर। जी जी, ये अक्सर कॉमनली क्वेश्चन होता है इस जगह पे ना, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर इन्होंने तो, अब देखा ना ये फेयर वैल्यू डिफाइन होती है, ये कहीं और डिफाइन, उन्होंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा, ये दो चीजें मैं छुड़वा दूंगा। दीज टू डेफिनेशन विल नॉट आई विल डिस्कस हियर, ठीक है, वो मैं इसको आगे के लिए छोड़ दूंगा। बहरहाल फेयर वैल्यू की डेफिनेशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ। कॉस्ट हमने डिस्कस कर ली है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन कि आपने उन कैश को पे किया या आपने कोई दूसरा एसेट दे दिया। भाई ऐसा भी होता है ना कि आप कोई एसेट परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब आप एसेट परचेज करने के लिए गए तो आप टोटली कैश पे नहीं करते, आप कहते हैं मेरे पास ना ये एक पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है, ये पुराना फ्रिज आप ले लें और ये पैसे आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो उस केस में जो कॉस्ट है वो एक तो कैश आपने पे किया है वो,
और जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, वो आपकी कॉस्ट होती है नए वाले एसेट की। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि यहाँ पे आपके पास आप न्यू एसेट परचेज करने के लिए गए हैं या न्यू एसी परचेज करने के लिए गए हैं जो कि रुपीज 50,000 का है, और आपको कहा गया है कि आपने कहा जी मेरे पास एक ओल्ड एसी है विच हैज ए मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, तो ऐसा करें, आप ऐसा करें 10,000 ना पे करें, आप 40,000 पे कर दें। तो क्या करेंगे आप, 40,000 कैश पे करेंगे प्लस ओल्ड एसी दे देंगे, तो आपको क्या बनेगा, न्यू एसी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कैश 40,000 आप देंगे, ओल्ड एसी देंगे और न्यू एसी परचेज आप कर लेंगे। तो ये जो ओल्ड एसी की मार्केट वैल्यू है, ये भी तो आपने गिवन अप की है ना नए एसेट परचेज करने के लिए, तो ये इन दोनों को ऐड करके नए एसी की कॉस्ट आएगी। अच्छा, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ना यहाँ पे थोड़ी सी चेंज दी हुई है, अब फेयर वैल्यू डेफिनेशन चेंज हो गई है, वो जरा आप प्लीज नोट करें। जो नया एसी है फिर हम इसकी वैल्यू क्या रिपोर्ट करेंगे, 50,000 या 40,000? नहीं, नया तो 50 होगा ना, 50,000 मतलब ये प्लस ये 40, हाँ जी, कैश 40, कैश 40 प्लस ओल्ड एसी 50 आएगा। ठीक होगा। अच्छा, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आप लिख लें अपने पास, फेयर वैल्यू। ये बहुत ज्यादा टर्म इस्तेमाल होगी जी आगे जाके, इसलिए मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये IFRS 13 में एक्सप्लेन की गई है, एज पर IFRS 13 इट इज द प्राइस, फेयर वैल्यू इज द प्राइस। ठीक है, received to sell an asset, अगर asset की बात हो रही है, अगर हम किसी asset की बात कर रहे हैं तो वो पैसे हमें मिलेंगे कब, जब उसको sell करेंगे, और अगर किसी liability की बात हो रही है तो वो होंगे paid to settle या transfer a liability. The price received to sell an asset or paid to settle a liability, settle a liability, इसको हम वापस ले आएंगे इस जगह पे, in an orderly transaction, in an orderly transaction between market participant. Between market participants at a specified measurement date. नहीं जी, fair value क्या है? Fair value is the price receive to sell an asset या paid to settle a transfer liability in an orderly transaction. Orderly transaction का मतलब क्या होता है कि ऐसी transaction जिसमें जो parties हैं वो connected नहीं है, वो unrelated है, वो अपने अपने मफाद के लिए negotiation करेंगी। Seller कम से seller जाएगा कि maximum प्राइस पे सेल हो, बायर जाएगा कि कम से कम प्राइस पे परचेज हो। इस ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी पार्टीज आर इंडिपेंडेंट,
they have no relation, no relation. अच्छा, between market participant at a specified measurement date, यानी किसी particular date की fair value होगी. जब हम fair value की बात करेंगे तो fair value क्या is a price to sell an asset to settle a liability in an orderly transaction between market participants at a specified measurement date. और ये IFRS 13 में ये definition दी हुई है. You can also Google it, you can also check it. लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे समझ आना जरूरी, क्योंकि अगले जितने भी स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे तकरीबन तमाम के अंदर फेयर वैल्यू की बात हो रही होगी. और फेयर वैल्यू की का मतलब होता है नॉर्मली ये मार्केट वैल्यू होती है, synonymous to the market value. जी, एनी क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जी रेसिडुअल वैल्यू की. मैंने आपसे ये दो चीजें स्किप करवाई हैं, ये भी इस जगह पे रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो वी विल स्टडी इन IS 36 इंशाल्लाह. जी जी, ये को मुझे समझा दे डेफिनेशन जी रेसिडुअल वैल्यू की. वैसे रेसिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद जो वैल्यू उसकी वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है. जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ जरा कोई बताएगा? जितने साल उसकी यूजफुल लाइफ है उतने साल इस्तेमाल हो गया है, इस्तेमाल होने के बाद जब जो उसकी वैल्यू बचेगी सर वो रेसिडुअल वैल्यू होगी. जी, वो तो मैंने पहले ही बताया ना, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ सर. अगर हम उसे उसकी यूजफुल लाइफ यानी कि अभी भी डिस्पोज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी उससे रेसिडुअल वैल्यू का यहां पर बेटा अभी क्यों डिस्पोज करेंगे, अभी तो खरीदा है. सर, डिस्पोजल से जो वैल्यू मिलेगी ना उसमें से डिस्पोजल के लिए जो हमें कॉस्ट बेयर की है हमने वो निकाल के जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी. अभी अभी हमने एसी परचेज किया है सर, उसकी एस्टिमेशन वैल्यू होती है कि इन फ्यूचर या 5 साल के बाद की डिस्पोजल वैल्यू ये रह जाएगी. ये नहीं ना लिखा हुआ, मसला ये है. इसको चलें, इसको ना उसको सेल करने. जी जी, उसको सेल करने में जो खर्चा आएगा वो भी लेस करेंगे. ठीक है, वो बिल्कुल लेस करेंगे, बिल्कुल वो भी लेस करेंगे. जी, ये नहीं लिखा हुआ ना, आप सही कह रहे हैं लेकिन इसका थोड़ा सा मकसद डिफरेंट है. जरा सेंटेंसेस पे गौर करें. आपने ये वाला पैराग्राफ, ये वाला सेंटेंस नहीं पढ़ा, इफ के बाद वाला. चलें, ऐसा करते हैं कि इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है इससे पहले कि वो फोर्सफुली हमारा सेशन डिसकंटिन्यू हो जाए. ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो. कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल हमने IS 16 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और कल जो आपके पास MCQs हैं MCQ बैंक में उसमें जो MCQ हैं वो हमने सॉल्व करने हैं और काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं IS 16 के. और चूंकि ये स्टैंडर्ड काफ़ी रिपीटेडली आगे भी इस्तेमाल हो रहा है तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है. मे बी पॉसिबल इस हफ्ते की रिमेनिंग क्लासेस IS 16 के ऊपर ही हम लोग जो है वो लगाएं. जी यासिन साहब. सर, IS 2 के जो MCQs हैं वो बता दें. वो हमने वो मैंने जो मैंने बुक थी ना दी आपको उसमें मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने नंबर आपको बताया था, मुझे याद नहीं है. सर 70 से थे, 70 से 74 तक थे. हाँ, वो चंद ही हैं, वो थोड़े बाकी आपको प्रैक्टिस मैंने काफी करवा दी है ना उसकी. ठीक है, तो बाकी आप ये कुछ सवाल आपको मैंने करने को दिए हैं ना इसमें से, आई थिंक मैंने एग्जाम्पल 5 से लेकर 9 तक करने को दिए आपको, वो आप करिएगा उसको सॉल्व इसी बुक की. ये हमारी कोर्स पैक है जो स्टडी टेक्स है ना हमारा IC में का, इसके जो मैंने आपको एग्जांपल्स, हाँ वो एग्जांपल आप कीजिएगा ना 5 से ऑनवर्ड. बाकी MCQs हमने काफी कर ली हैं. अब
असल में आईएसटू के इतने एमसीक्यूज हैं नहीं, ये जो अब से ऑनवर्ड जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं ना उसमें काफी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो बैसे कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, कोई सवाल तो पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन था सर, हमने अभी पढ़ा था कि हम फाइफो मेथड यूज करेंगे या एवरेज मेथड, तो क्या लाइफो अब बिल्कुल ही प्रैक्टिस खत्म हो गई है, मतलब अब कहीं पे भी लाइफो मेथड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? अगर आप IFRS अप्लाई कर रहे हैं तो लाइफो यूज नहीं होगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, लाइफो बैन हो गया जी। और कोई सवाल बेटा? तो ये नहीं पूछा आपने क्यों बैन किया गया, चलिए ये आप खुद एक्सप्लोर करें। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हैं, लेकिन इसका इसकी बड़ी लॉजिकल है। तो वो सर वो जो है ना लाइफो, वो प्रॉफिट जो है ना वो कम शो करता है, लाइफो की वजह से प्रॉफिट कम शो होता है, इस वजह से लाइफो बैन है, इन्वेंटरी की वैल्यू कम यूज होती है। गाली मुकाती है भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके थैंक यू, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस होगी सबकी। मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ, आदिल को आना बंद रहा।